बिलौर में वरिष्ठ भाजपा नेता के घर में घुसे चोर सूटकेस में रखी नकदी और लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए। चोर ज्वेलरी के लिए घर खंगालते रहे लेकिन असफल रहे और सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की। शांति नगर बिलौर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता कस्बे में बर्तन की दुकान चलाते हैं। बता दें कि उनके अनुसार उनका बेटा रात लगभग 11:30 बजे आगरा से घर पहुँचा था। इस कारण लगभग 12 बजे तक घर के सभी लोग जाग रहे थे। इसके पश्चात सभी के सोने के बाद उनके घर में घुसे चोर उनके कमरे में रखा सूटकेस जिसमें 1,25,000 रुपये रखे थे, उनके भाई की जेब में पड़े 3,000 रुपये और एक अन्य घर कमरे में रखा हुआ बेटे का लैपटॉप चोरी करके लेकर भाग गए। चोरों ने अंदरूनी कमरे में रखे सेफ का लॉक आदि खोलकर ज्वेलरी तलाश करने का भी प्रयास किया लेकिन असफल रहे। सुबह लगभग 3 बजे जागने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस नई घटना की जाँच में जुटी हुई है। बता दें कि घर के बाहरी कमरे में सो रहे व्यापारी के सर के पास से रखे बैग में दुकान से बिक्री के लिए लगभग 20,000 रुपये रखे हुए थे। वो वैसे ही रखे रहे और कमरे में रखे पैसे के सूटकेस के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामान को टच नहीं किया। व्यवसाय के अनुसार वो अपने सूटकेस में 2 से 3 लाख रुपये हमेशा इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जहां एक ओर पीड़ित परिवार छत के रास्ते चोरों के घर में घुसने की आशंका जाहिर कर रहा है, वहीं पुलिस का मानना है कि जब घर चोरों की तरफ से बंद था, चारों ओर से बंद था, तो चोरों की एंट्री घर में कैसे हुई? कहीं वो शाम को ही तो घर में छुपकर नहीं बैठे थे? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। व्यापारी के अनुसार उनके बेटे को 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। बेटे के मांगने पर उन्होंने उन्हें देने के लिए कहा था लेकिन उससे पहले ही चोरी हो गई। बेटे के मांगने पर उसे तुरंत रुपए दे दिए होते तो शायद बच जाते। बिलौर तहसील से संवाददाता मुजीब खान की रिपोर्ट।